नमस्कार, स्वागत है आपका देश रोजाना चैनल पर। मेरा नाम भूमिका है और देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या है खास। शुरुआत आज की खास सुर्खियों के साथ। अमित शाह का बड़ा बयान, एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लेकिन चुनाव के बाद होगा फैसला। राजस्थान सरकार का विवादास्पद कदम, सरकारी कॉलेजों को भगवा रंग में रंगने के लिए 7 दिन का समय दिया। वाराणसी में बवाल, 40 कुंवारी लड़कियों को भेजा गया गर्भवती होने का गलत मैसेज। TCS ने निवेशकों से 57,000 करोड़ रुपए जुटाए, रिलायंस को तगड़ा झटका। CGI चंद्रचूड़ को वकीलों ने दी विदाई में सराहना, चार्मिंग और हैंडसम जज की टिप्पणी। बीजेपी का संकल्प पत्र, महाराष्ट्र में 25 लाख नौकरियां, महिलाओं को 2100 रुपए, किसानों के लिए कर्ज माफी। बिहार और राजस्थान में पकड़े गए फर्जी सरकारी अधिकारी, ब्लैकमेलिंग का हुआ खुलासा। विद्या बालन ने भूल भुलैया 3 की सफलता को अपनी सबसे बड़ी हिट बताया। मशहूर तमिल एक्टर दिल्ली गणेश का निधन, 80 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभदीप का अन्न प्राशन, फैंस हुए इमोशनल। रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। हरियाणा में डेंगू के बढ़ते मामले, स्वास्थ्य मंत्री ने फॉगिंग तेज कराने का दिया निर्देश। हरियाणा में डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, खासकर शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इसे गंभीर चुनौती बताते हुए पंचायत मंत्री को लिखा, जिसमें कहा गया कि राज्य में फॉगिंग की प्रक्रिया डेंगू के बढ़ते मामलों से मेल नहीं खा रही है। अब तक 4,329 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और 3 मौतें भी हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित पंचकुला है, जहां 1,226 केस दर्ज हुए। मंत्री ने फॉगिंग को तेज़ करने और ज़िला अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। नवंबर में डेंगू आमतौर पर कम होता है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है, जिससे नियंत्रण उपायों को तत्काल प्रभाव से मजबूत किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली से करनाल तक रैपिड मेट्रो अब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। NCRTC ने इसका टीजर जारी कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि अब ये सफ़र मात्र 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। फिलहाल करनाल से दिल्ली का सफ़र 2.5 घंटे का है और इस रैपिड मेट्रो प्रोजेक्ट में दिल्ली से करनाल तक 17 स्टेशन होंगे, जिसमें करनाल में 3 स्टेशन होंगे। ये प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू होने की उम्मीद है। हाल ही में CM ने केंद्रीय मंत्री इस योजना को करनाल तक विस्तार देने की मांग की, जिसे मंजूरी मिल गई है। बहादुरगढ़ में बेटे के स्कूल का पहला दिन को यादगार बनाने की अनोखी पहल। जी हां, हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक परिवार ने अपने बेटे के स्कूल के पहले दिन को खास बनाने के लिए अनोखा कदम उठाया, जिसने समाज में शिक्षा के लिए प्रेरणा दी। दयानंद नगर के रहने वाले विवेक ने अपने 3 साल के बेटे अनमोल को दूल्हे की तरह सजाया और फिर बैंड बाजे के साथ उसे घोड़ी पर बैठाकर स्कूल छोड़ने गए। विवेक आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते हैं और उनका कहना था कि इस खास दिन को हमेशा यादगार बनाना चाहते थे। इस दौरान बैंड बाजे की धुन पर परिवार और पड़ोसियों ने भी डांस किया, जिससे पूरा गांव इस पल खास पल का हिस्सा बना। मुख्यमंत्री सैनी का कड़ा एक्शन, देरी और रिश्वत के मामलों में सरकारी अधिकारियों पर सजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी योजनाओं के समयबद्ध पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन में लापरवाही पर कड़ा एक्शन लिया है। शहरी स्वामित्व योजना में देरी के मामले में उन्होंने 2 DMC, 2 जॉइंट कमिश्नर, 1 EO का 15 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए और इसके अलावा गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप को 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने CM डैशबोर्ड सेल के माध्यम से योजनाओं की निगरानी करते हुए लाभार्थियों से फीडबैक लिया। एक मामले में 2 साल से चक्कर काट रहे लाभार्थी से रिश्वत की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की। तो ये थे आज की ताज़ा तरीन खबरें। आज का खास बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अन्य जानकारियों और नवीन अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। देखते रहिए आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।